जिला कलेक्ट्रेट के सामने NH 3 पर ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। करौली हाईवे को करीब 2 घंटे किया जाम। धौलपुर जिले के रामेश्वर जाटव हत्याकांड मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस के लिए विगत 4 दिन से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे परिजनों और ग्राम का आज सोमवार को आक्रोश फूट गया। धौलपुर करौली मार्ग पर महिला पुरुष एवं बच्चों ने जाम लगा दिया। जाम के दौरान पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। मामले की सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन पीड़ित परिवार और ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे तक परिजनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। SDM भारती भारद्वाज, एडिशनल SP बच्चन सिंह मीणा, पुलिस उप अधीक्षक प्रवेंद्र कुमार की समझाइश के बाद मृतक के परिजनों को ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने गाँव में RAC की चेक पोस्ट लगा दी है। लाइसेंस की पत्रावली मिलते ही जिला कलेक्टर को भिजवा देंगे। उधर मृतक की पत्नी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। भूख हड़ताल पर बच्चों के साथ बैठी मृतक की पत्नी का मौके पर ही उपचार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने बताया जाम को खोल दिया गया है, लेकिन धरना उनका जारी रहेगा। जब तक हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम राजकुमार, गांव अफजलपुर। 29/7/2021 को मेरे भाई रामेश्वर की गांव के दबंग ठाकरों ने बहुत बुरी तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें हमने कंचनपुर थाने पर FIR दर्ज कराई गई। 10 नामों के जिसमें 10 लोग थे और उनमें से 3 लोग गिरफ्तार किए हैं और 1 लोग को प्रदीप पुत्र रमेश को थानेदार जी ने पकड़ा और उसको 8-10 दिन बैठाकर छोड़ दिया। और 1 लोग ऐसा है जो 20 दिन हो गए उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई अभी तक। रामपाल पुत्र महाराज सिंह इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, 20 दिन हो गए। और आज हमारा 4 दिन हो गए हमको रामेश्वर की पत्नी और परिवार वाले और हमारे कुछ समाज के लोग धरने पर बैठे हुए और आज कुछ हम सब मिलकर सड़क पर उतर गए और प्रशासन के खिलाफ हमने नारेबाजी भी की और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें एडिशनल SP साहब ने हमको कहा है कि आपको आपके मुजरिम जरूर पकड़े जाएंगे और जब तक मुजरिम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हमारी मांगें जो पूरी नहीं होंगी जब तक हम धरने पर बदस्तु धरना देते रहेंगे, चाहे कितने भी दिन आ जाएं। अफजलपुर थाना कंचनपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक मर्डर हो गया था, उसके संबंध में आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और धरना भी लगा रखा है। उनको समझाइश कर दी गई है। मुकदमे में 3 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी की टीम भी बना के धरपकड़ जारी है। इनकी कह रहे हैं लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा दी जाए, तो सुरक्षा के लिए हमने RAC चेक पोस्ट लगा रखी है। उनको समझाइश करके मुझे शीघ्र गिरफ्तार करके कार्रवाई की। मनरेगा में फर्जी मस्टरॉल की जांच कराने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत ड्रोमई के ग्रामीणों ने सरपंच द्वारा मनरेगा में फर्जी तरीके से चलाई जा रही मस्टरॉल की जांच कराने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत ड्रोमई के गाँव कंचनपुरा में चरागा भूमि है, जिस पर चरागा विकास कार्य योजना के तहत सरपंच और सचिव ने फर्जी मस्टरॉल भर दी, जबकि मनरेगा में मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सरपंच और सचिव ने फर्जी मस्टरॉल भरकर भुगतान उठा लिया गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मनरेगा योजना में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों की जांच और फर्जी मस्टरॉल भरकर भुगतान उठाकर सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आज डोमोई ग्राम पंचायत से कंचनपुरा गाँव के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरपंच और सेक्रेटरी पर आरोप लगाया है कि वो वहाँ मिस्ट्रॉल गलत तरीके से अपने ही लोगों पर बांट करके खा रहे हैं और जो नरेगा का काम है सिर्फ दिखावे के रूप में हो रहा है, वहाँ ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हम SDM मैडम के यहाँ ज्ञापन देकर के आए हैं और उनसे निवेदन करके आए हैं कि आने वाले इस विषय की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। इसी के साथ सभी ग्रामीण दूसरी बार ज्ञापन दे रहे हैं, पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोग मैडम से पूर्ण रूप से अपेक्षा करते हैं कि वे निष्पक्ष जाँच कराएंगी। धन्यवाद। नाकाबंदी के दौरान बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, बजरी माफिया खेतों में फरार। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने NH 123 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई को देख बजरी माफिया खेतों में कूद कर फरार हो गई। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए थाना इलाके में सघन नाकाबंदी कराई जा रही है। उन्होंने बताया
स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कैथरी बॉर्डर पर सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया है। नाकाबंदी के दौरान चंबल बजरी से भरे हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली धौलपुर की तरफ से आ रहे थे। अवरोधक लगातार पुलिस टीम एवं आरएसी के जवानों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर खड़ा कर खेतों में कूद कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। उन्होंने बताया, फरार हुए बजरी माफियाओं को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीमान जिला परिषद अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अवैध चंबल परिवहन की निकासी के पूर्णतः प्रोग्राम के तहत कल देर शाम को सैपुर थाना पुलिस द्वारा 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। मुलजिम अंधेर का फायदा उठाने को भाग लेने सफल रहे और मुलजिमों को चिन्हित कर लिया गया। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार कर 31,310 रुपए की राशि को बरामद किया। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने मित्तल कॉलोनी के सामने जुए के अड्डे पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार 31,310 रुपए की राशि को बरामद किया है। निहालगंज थाना SHO बाबूलाल पटेल ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शहर की मित्तल कॉलोनी के सामने जुए का अड्डा संचालित किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम को मौके पर बुलाकर और निहालगंज पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक दर्जन जुआरियों को जुए के अड्डे से घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 31,310 रुपए से अधिक की राशि को बरामद किया है। उसके साथ ही पुलिस ने जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने एक फोर व्हीलर गाड़ी के साथ एक बाइक को भी मौके से बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सट्टे एवं जुआ के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल अचानक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से सट्टेबाज एवं जुआरियों में हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 28/6/2021 को जरिए मुख्य सूचना मिली कि मित्तल कॉलोनी के सामने बंद कॉलोनी में कुछ लोग युवक खेल रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए निहालगंज थाना पुलिस की टीम व DSP टीम ने स्वयं कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 31,310 रुपये जब्त किए हैं। इसके साथ ही एक बोलेरो गाड़ी, 12 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक बदमाश को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। सरमथरा थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम ने बताया कि DST एवं QRT टीम और सरमथरा थाना पुलिस द्वारा एक अवैध देसी पचफेरा 315 बोर और 8 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ बदमाश महावीर गुर्जर को आंगई बांध के पास से गिरफ्तार किया। बदमाश महावीर पुत्र छिग्गा निवासी हीरापुर थाना नादनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है? मामला यह था कि आज समय 2 बजे मैं थाना इलाका सरमथरा में गश्त करने निकला था। गश्त करते हुए मैं मोठियापुरा पहुंचा तो जरिए QRT टीम कॉन्स्टेबल उपेंद्र द्वारा फोन पर सूचना दी कि हीरापुर से की तरफ से आंगई की तरफ एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर आ रहा है, आप तुरंत हमें वहीं मिलेंगे। इस सूचना पर मैं रवाना होकर आंगई बांध के पास पहुंचा, वहां QRT टीम मौजूद मिली। आगे जाकर देखा तो एक व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लेकर आ रहा था, जिसको मुलाजमानों की इमदाद से घेरा देकर लौट कर वापस भागने लगा तो उसको घेरा देकर पकड़ा और उसको हथियार बाबत के लाइसेंस बाबत पूछा तो अपने पास कोई लाइसेंस होना नहीं बताया, जिसको मौके पर ही गिरफ्तार किया जाकर मौके पर ही जरिए फर्द जब्त किया गया हथियार को, 8 जिंदा कारतूस और 1 पचफेरा। बाद कार्रवाई वहाँ से QRT टीम को बाला रवाना किया, वापस रवाना होकर वापस थाना आया, थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, मुलजिम बंद वाला थाना कराया, हथियार जमा मालखाना कराया। ईख के खेत में लगी आग, फसल जलकर हुई राख। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा के निकटवर्ती गांव बिलगवा मियां का पुरा में सोमवार को अचानक ईख की खेत में आग लग गई, जिससे करीबन 1 बीघा ईख की खेत जलकर राख हो गई। किसान का कहना है कि मेरी 1 बीघा ईख थी। देश में चल रही घातक बीमारी से लगे लॉकडाउन की वजह से ईख बिक नहीं पाई थी। किसान राधे श्याम पुत्र श्री गुलाब सिंह ने बताया कि अचानक पता नहीं कैसे मेरे खेत में आग लग गई। लॉकडाउन के खुलते ही उनके मुंह पर रौनक आ गई थी, पर भगवान को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। भगवान उनकी खुशियां छीन ली। उन्हें क्या पता था कि सुबह जागी तो क्या हो गया, करीब 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो गया। किसान का कहना है कि ईख की फसल जलकर राख हो गई। पता नहीं सुबह जगा तो खेत में लगी हुई मिली, मालूम नहीं है भाई, नहीं मालूम, पता नहीं कैसे लगाए हैं, फिर भी नहीं कहा, कोई मालूम नहीं इसकी।
सब कितनी जगह होगी? कम से कम होगी 15 बजे के 18 बजे के आसपास। करीबन 2 लाख का नुकसान तो कम से कम 2 लाख रुपए का। अच्छा, और जब बुझाने की कोशिश नहीं करी क्या? सुबह पता था, वक्त पता नहीं था, और पानी खांसे लाते थे यहाँ पर को सुबह। अच्छा। जगह जगह तो मिली जगह मिली। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश कुमार सनपुरी राजेश। सकतपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के गांव सकतपुर के ग्रामीणों ने कृषि बोरिंग का व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव का ही रहने वाला टीकाराम पुत्र देवी सिंह त्यागी अपने कृषि कनेक्शन से व्यावसायिक स्तर पर जलापूर्ति कर रहा है। टीकाराम अपने कृषि बोरिंग से गर्मा मिल्क फैक्ट्री सहित अन्य जगहों पर पानी की सप्लाई कर रहा है, जिससे आसपास खेतों में लगे कृषि बोरिंगों का जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई नहीं हो पाएगी और खेत बंजर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से कृषि बोरिंग का व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। मेरा गांव सकतपुर है, मैं सकतपुर का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में गर्मा मिल्क प्लांट के लिए पानी दिया जा रहा है और वो हमारे जो पानी दिया जा रहा है वो मैंने क्षेत्र जिसमें पानी की मतलब अच्छी पानी वहाँ पे कृषि कनेक्शन से पानी दिया जा रहा है और मना करने पर ग्रामवासियों ने सभी ने मना किया, मिलजुल कर गए कि भाई मान जाओ पानी मंदिर मतलब प्लांट के लिए गाँव में पानी कमी आ रही है, आगे का जलस्तर बहुत घटित जा रहा हो, लेकिन सबनते मना कर दी कि चाहे सो कर लो मतलब हम पानी देंगे मानेंगे नहीं, पानी बहुत ज़्यादा कमी देखते हुए हम कलेक्टर ज्ञापन देने आए हैं। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राम खिलाड़ी है। पेड़ लगाकर खुशी मनाई। धौलपुर जिले में सोशल मीडिया से प्रभावित होकर युवाओं का रुख सामाजिक सरोकार की तरफ बढ़ रहा है। अब युवा अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह वगैरह कुछ इस अंदाज में मना रहे हैं कि इसकी मिसाल आज सोमवार को देखने को मिली। हल्ला बोल सामाजिक सरोकार श्री रणछोड़ मचकुंड धाम समिति के तत्वाधान में धौलपुर को हरा भरा करने की मुहिम के तहत टीम के योगेश ठाकुर की सगाई तय हुई। उसने उस खुशी को अपने मेंबरों के साथ पेड़ लगाकर मनाया। इस मौके पर समिति के संरक्षक मुकेश शर्मा ने सभी से आह्वान किया कि आप अपनी खुशी पेड़ लगाकर मनाएं, जिससे धौलपुर को हरा भरा किया जा सके। हल्ला बोल सामाजिक सरोकार टीम के प्रमुख प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा कि अगर सब लोग अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर केक ना काटकर पेड़ लगाएं तो एक दिन धौलपुर में निश्चित ही हरित क्रांति आएगी और धौलपुर की नई पहचान बनेगी। इस मौके पर समिति के मीडिया प्रभारी अशोक सिकरवाल, लोकेश राजपूत, प्रचार प्रसार प्रमुख ठाकुर, विराट परमार, योगेश ठाकुर, प्रशांत सिंह, कृष्ण राजपूत, वैष्णवी राजपूत आदि मौजूद रहे। वन विभाग के अधिकारी DCF पर पद का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के वन विभाग के अधिकारी DCF अनिल कुमार यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहायक वनपाल गुड्डी को क्षेत्रीय वन अधिकारी NCS धौलपुर के पद पर नियुक्त कर दिया है, जबकि गुड्डी उर्फ गुड़िया और राजेश कुमार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 मार्च 2021 के खिलाफ मुकदमा नंबर 91/2021 दर्ज किया हुआ है। गुड्डी सहायक वनपाल को क्षेत्रीय वन अधिकारी NCS धौलपुर का चार्ज दिया है, जबकि रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी पद पहले ही अधिकारी कार्यरत है, जबकि गुड्डी को कोटा जिले के इटावा में पोस्टिंग दी हुई है। अधिकारी DCF राजकीय चंबल अभयारण्य सवाई माधोपुर के ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गुड्डी और गुड़िया को धौलपुर रेंज का रेंजर का चार्ज दिया गया है, जबकि यह धौलपुर में रेंजर पहले से ही पदस्थापित है और गुड़िया और गुड्डी के खिलाफ 20 मार्च 2021 को SIW ब्यूरो जयपुर में मुकदमा दर्ज है, जबकि DCF ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इनको धौलपुर लगाया है और इनके गुड्डी और गुड़िया सहायक वनपाल और राजेश कुमार के खिलाफ तफ्तीश सभी जारी है, अनुसंधान जारी है और इनको धौलपुर लगाया गया है। जिला न्यायाधीश ने किया संप्रेक्षण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीटा तेजवाल द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान औपचारिक एवं अपेक्षित बालकों से रूबरू होकर बालकों को मिल रही सुविधाओं तथा बालकों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन, स्वच्छ पेयजल व अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। श्रीमती तेजपाल द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर में बालकों के COVID-19 महामारी से बचाव एवं सुरक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के हेतु निर्देश दिया गया तथा सरकार द्वारा जारी COVID-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर श्रीमती मीना अवस्थी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर सुश्री श्वेता भारद्वाज एवं किशोर न्याय बोर्ड व संप्रेक्षण गृह के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।